चलिए हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ वाइड रेशियो के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग को वाइड रेशियो के बारे में जानकारी होगी तो हमें पता चलेगा कि सॉइल की वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ है और अल्टीमेटली हमको ये पता चलेगा कि सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। सेटलमेंट की पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका वाइड रेशियो कैलकुलेशन ही होता है, इसीलिए पूरे कंसोलिडेशन के चैप्टर में जहां कहीं भी सेटलमेंट निकालना होता है वहां पे हम लोग कंसोलिडेशन के पैरामीटर्स और वाइड रेशियो की हेल्प लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ वाइड रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ वाइड रेशियो। ठीक है, बहुत ही क्रिस्प तरीके से पढ़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। वाइड रेशियो को हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक होता है हमारा हाइट ऑफ सॉलिड मेथड, हाइट ऑफ सॉलिड मेथड। हाइट ऑफ सॉलिड मेथड की अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप यही समझिए। ठीक है, ये बताता है कि अगर मैं कोई फेस डायग्राम बना रहा हूं तो उसमें सॉलिड की जो हाइट है वो कितनी कवर हो रही है, दैट इज हाइट ऑफ सॉलिड मेथड। ठीक है, हाइट ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो हाइट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सॉलिड का जो वेट होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहां से हाइट ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं कैसे, ये होता है हमारा डब्ल्यू एस अपॉन जी गामा डब्ल्यू इंटू ए। और जब हमें हाइट ऑफ सॉलिड मिल जाता है तो इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं वाइड रेशियो, जो कि होता है आपका ओरिजिनल माइनस एच एस अपॉन एच एस। ठीक है, अगर आपको याद होगा वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर टोटल वॉल्यूम में से आप हाइट ऑफ सॉलिड माइनस कर दोगे, टोटल हाइट में से हाइट ऑफ सॉलिड माइनस कर दोगे तो बचे क्या, हाइट ऑफ वॉइड। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ वाइड हो गया, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ सॉलिड हो गया। तो हाइट ऑफ वाइड अपॉन हाइट ऑफ सॉलिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, ये मानते हुए कि क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट है। सिंपल एक फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना है, लेकिन उसके पीछे का आधार क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम को ऐसे लिख दूं, हाइट इंटू एरिया अपॉन हाइट इंटू एरिया, ठीक है, तो उससे हम इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये तो हो गया पहला मेथड। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, नंबर टू, सेकंड मेथड क्या कहता है, चेंज इन वाइड रेशियो मेथड। क्या कहता है, चेंज इन वाइड रेशियो मेथड, यानी कि जब कंसोलिडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो सॉइल के डेंसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि वाइड रेशियो में चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसी वाइड रेशियो में आने वाले चेंजेस को हम मेजर कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कंसोलिडेशन कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या उसका परिणाम आया। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, जिस एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरा एक फेज डायग्राम है बिफोर सेटलमेंट और फेज डायग्राम है आफ्टर सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि ये आपका हाइट ऑफ सॉलिड है, ठीक, इतना ये क्या है आपका हाइट ऑफ सॉलिड है ऐसे। ठीक, ये क्या था, ये हमारा हाइट ऑफ सॉलिड था। ओरिजिनल जो हाइट है एच नॉट वो ये थी, ओरिजिनल हाइट कितनी थी, एच नॉट थी। और हमने देखा कि सेटलमेंट की वजह से या लोड लगने की वजह से इतना सेटलमेंट हो गया, डेल्टा एच आपकी हाइट में कमी आ गई। ये हाइट में कमी किसमें आई होगी, क्योंकि भाई हाइट ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट है, हाइट में कमी आई होगी आपके वाइड के हाइट में चेंज होने से, एच वी वन एच वी टू। तो ये एच वी वन माइनस एच वी टू ही क्या कहलाता है, डेल्टा एच, यानी कि सेटलमेंट कहलाता है। तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट कह भी सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है, ये आपका वाइड है, और इस वाइड में क्या बना रहेगा, इस वाइड में बना रहेगा वाटर। सिमिलरली ये भी है क्या वाइड, और इस वाइड में क्या बना रहेगा, इस वाइड में बना रहेगा वाटर। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा आपका एच वी वन माइनस एच वी टू। सिंपल सी बात है, जितना पहले था उसको बाद में से आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन एच नॉट, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा, यानी कि चेंज इन वाइड रेशियो अपॉन वन प्लस ई नॉट। प्रूविंग पूछता नहीं है, इसलिए मैं प्रूविंग लिखवा नहीं रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे पूरे चैप्टर में आप इस फॉर्मूले का मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ से आप अगर देखोगे तो इनिशियल वाइड रेशियो को यहाँ पे ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है, जब ये सेटलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसको बोलेंगे फाइनल वाइड रेशियो, और फाइनल वाइड रेशियो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वाइड रेशियो माइनस चेंज इन वाइड रेशियो, भाई कुछ कमी हो गई। ठीक है, और कमी को अगर आप ओरिजिनल से माइनस कर दोगे तो आपको फाइनल वाइड रेशियो मिल जाएगा। और फाइनल वाइड रेशियो निकालने का एक और तरीका होता है, जो कि होता है फाइनल वाटर कंटेंट इनटू जीएस।
ठीक है। अब एस कहाँ है, एस तो आपका 100% हो गया क्योंकि कंसोलिडेशन के दौरान आपकी सॉल्ट हमेशा क्या होती है, सैचुरेटेड। तो यहां से हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा एच अपॉन एच नॉट बराबर डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट हो जाएगा। कुछ समय के बाद जब सेटलमेंट का प्रोसेस पूरा हो गया तो फाइनल जो वाइट रेशियो है उसको निकालने के लिए आप इनिशियल वाइट रेशियो में से चेंज इन वाइट रेशियो को माइनस कर दीजिएगा, या फिर आप फाइनल वाइट रेशियो निकालने के लिए फाइनल वाटर कंटेंट में जीएस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वाइट रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। जब हमें वाइट रेशियो के बारे में जानकारी होती है तो फिर हम बहुत ही आसानी से किसी भी सॉइल के सेटलमेंट की एनालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कंसोलिडेशन कर्व। ठीक है, कंसोलिडेशन कर्व। अब देखिए इसे आपको याद रखें, ये जो कंसोलिडेशन वाला कर्व है ना, ये जनरली आपके आईईएस और गेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर एसएससी जेई में इसका क्वेश्चन आएगा तो सीधा रिजल्ट पूछेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए कि किस टॉपिक को केवल रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और किस टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसको केवल रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप एनर्जी वहीं लगाइए जहां पर एनर्जी की आवश्यकता है। अगर मैं कंसोलिडेशन कर्व की बात करूं, ठीक है, तो कंसोलिडेशन कर्व जो होता है वो हमेशा अर्थमेटिक और सेमी लॉग दोनों स्केल पर बनाया जाता है। ठीक है, अब अर्थमेटिक और सेमी लॉग का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक स्केल यानी कि इसमें भी इंटीजर होगा, ये क्या आपका अर्थमेटिक स्केल है, ये क्या है आपका सेमी लॉग स्केल है। सेमी लॉग स्केल क्या होता है, सेमी लॉग स्केल मतलब कि एक तरफ अर्थमेटिक स्केल होगा और एक तरफ आपका लॉग स्केल होगा। जैसे यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये आपके इफेक्टिव स्ट्रेस को दर्शा रहा है जबकि जो वाइट एक्सिस है वो आपके वाइट रेशियो को दर्शा रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जो एक्स एक्सिस है वो आपके लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस को दर्शा रहा है जबकि जो वाई एक्सिस है वो आपके वाइट रेशियो को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वाइट रेशियो क्या होगा आपका घटता जाएगा, क्या होगा वाइट रेशियो घटता जाएगा। जैसे जब इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 बार था तो वाइट रेशियो ई 1 था। ठीक है, जब ये सिग्मा 1 बार था तो वाइट रेशियो कितना था ई 1 था, और जब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा सिग्मा 2 बार होगा तो वाइट रेशियो क्या हो जाएगा ई 2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ सॉइल की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, पानी निकलता जा रहा है और वाइट रेशियो क्या हो रहा है कम होता जा रहा है क्योंकि पार्टिकल पास पास आ रहे हैं। सिमिलरली जो आपका सेमी लॉग कर्व बनेगा उसी में ये सेम चीज आपका स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, और सेमी लॉग कर्व बनाने का फायदा ये होता है कि आप बहुत बड़े से डायग्राम को बहुत सारे डेटा को किसी छोटी सी जगह पर एक्सप्लेन कर सकते हो, इसीलिए वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि सेमी लॉग कर्व आप कुछ नहीं है, बस ये एक्सप्रेशन का तरीका है ताकि आप बहुत सारे वैल्यूज को आराम से एक ग्राफ एक कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन इसका समझ लेते हैं। ये क्या है आपका कंसोलिडेशन कर्व है, नॉर्मल कंसोलिडेशन कर्व है आपका। ठीक है, अगर ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉल्व होते तो क्या होता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मैनिपुलेशन कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं यहां पे ओवर कंसोलिडेशन कर दे रहा हूं, ओवर कंसोलिडेशन कर दे रहा हूं। अब जब मैं ओवर कंसोलिडेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, कैसा बनेगा ये कर्व, कुछ इस तरह का बनेगा। ये कर्व इस तरह का क्यों बनेगा, ये कर्व इसलिए बनेगा क्योंकि अब आपका जो प्रीवियस डेटा है उसके तुलना में जो आपका प्रेजेंट डेटा है वो क्या हो रहा है, वो आपका वीक पड़ रहा है। क्यों, प्रीवियस जो सॉइल थी वो आपकी ज्यादा स्ट्रांग थी और प्रेजेंट की सॉइल क्या है वो वीक है। ठीक, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करेंगे सेमी लॉग कर्व पे तो यही आपका जो कर्व इस तरह से कर्व बन रहा था वही थोड़ा सा फ्लैट होकर बनेगा, लेकिन बनेगा अभी भी कर्व। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में आपका स्ट्रेट लाइन बन गया था, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बनेगा कर्व ही लेकिन आपके अर्थमेटिक स्केल की तुलना में थोड़ा सा फ्लैट बनेगा। जनरली ये क्वेश्चन एससीजी में आने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन रिजल्ट है, रिजल्ट को याद रखिएगा, आपको हेल्प करेगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स की बात करेंगे और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इस तरह के टॉपिक को आप मिस आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स, डिटरमिनेशन ऑफ
कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स, कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, तो सिंपली इनका फॉर्मूला होता है और यूनिट होता है जिसको आपको फोकस करना है। जैसे सबसे पहले हमारा है कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करता है AB से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है, चेंज इन वाइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। और यहां माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से वाइड रेशियो में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब यहां पे वाइड रेशियो की तो कोई यूनिट होगी नहीं, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस की यूनिट होती है क्या, होती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे चूंकि ये डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, सिंपल एज दिस, ठीक है। और ये कहता है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो इफेक्टिव स्ट्रेस में होने वाले चेंज के आधार पे परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। सेकंड पे आता है दैट इज कंप्रेशन इंडेक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सी के हेल्प से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का डेल्टा ई अपॉन लॉग टेन सिग्मा टू बार अपॉन सिग्मा वन बार। देखिए सेम चीज है जो ऊपर लिखा है वही सेम चीज है, बस यहाँ पे जो हम चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कर रहे थे उसको हम यहाँ पे लॉग स्केल पर कर रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी हमने जो ऊपर कर पढ़ा था अर्थमेटिक स्केल का रिप्रेजेंटेशन ये है और सेमी लॉग स्केल का रिप्रेजेंटेशन ये है। अब अगर आप यहाँ देखिए तो सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा और वाइड रेशियो की अपनी खुद की भी कोई यूनिट नहीं होती है। इट मींस कि जो आपका सीसी होता है वो एक कांस्टेंट होता है और जब कांस्टेंट होता है तो ये ज्यादा एक्यूरेट होता है और चूंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है इसीलिए ज्यादा पॉपुलर होता है। इसके अलावा सीसी के एक दो फॉर्मूले और होते हैं, जैसे सीसी बराबर आपका होता है 0.009 WL-10, ठीक है, WL-10। एक फॉर्मूला आपका ये होता है जब लिक्विड लिमिट डी हो और सेंसिटिविटी आपकी 4 से कम हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा सीसी बराबर हम लिख सकते हैं 0.0115 WN, जहां पर WN आपका नेचुरल वाटर कंटेंट होता, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा जो कि आपका चेंज इन वाइड रेशियो अपॉन लॉग स्केल पर इफेक्टिव स्ट्रेस में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका आता है तीसरा कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, क्या आता है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अब कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं MV से, और MV क्या होता है, ये होता है आपका AV अपॉन 1+E0, जहां पे E0 क्या है, इनिशियल वाइड रेशियो है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो E0 की कोई यूनिट नहीं होती है तो MV की यूनिट वही होगी जो AV की होगी, इट मींस कि इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन होती है और ये भी वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि यूनिट है तो यूनिट होगा तो ये वेरिएबल, सिंपल एज दिस। तो अब कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर के डिटरमिनेशन के बाद इन कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सेटलमेंट एनालिसिस, ठीक है, और सेटलमेंट एनालिसिस के बाद फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक। देखिएगा यहाँ पे तो हमारा नया टॉपिक क्या है, हमारा नया टॉपिक है आपका सेटलमेंट एनालिसिस। अगर मैं सेटलमेंट एनालिसिस की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जब कोई भी लोड लगता है, लोड लगने के जस्ट बाद भी थोड़ा सा सेटलमेंट होता है और उस इंस्टेंट सेटलमेंट को हम बोलते हैं इनिशियल सेटलमेंट। जैसे कि आप चल रहे हो किसी मिट्टी पे तो आपके पैर की वजह से मिट्टी कुछ दब जाती है तो उसको हम इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक। और ये आपके जस्ट आफ्टर द लोडिंग होता है, कब होता है, ये आपके जस्ट आफ्टर द लोडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं यहां पे इस चीज को मेंशन कर सकता हूं, जस्ट आफ्टर लोडिंग, लोडिंग के जस्ट बाद होता है
और ये कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कोहेजन लेस सॉइल होती है और कोहेसिव सॉइल होती है, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो मैं कह सकता हूँ फॉर कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल कितना होगा। देखिए अभी ये जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, यानी कि इमीडिएट सेटलमेंट का, ये अभी तक किसी भी एसएससी जेई के सेट में नहीं पूछा गया है। आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि भाई पढ़ा तो मैं होगा कि मैं फर्ज है पढ़ाना, लेकिन आप इसको याद करने में ज़रा एनर्जी वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि किसी एग्जाम पूछा नहीं गया है और ना पूछा जाएगा, ये भी श्योर है, ठीक। यहाँ पे जो सीएस है वो सीएस क्या है, ये सीएस है आपका कोन रेसिस्टेंस, जिस कोन में रख करके आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे उस कोन का जो रेसिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, सीआर कहलाता है, ठीक है, सॉरी सीआर कहलाता है। और ये जो सीएस है, ये सीएस कितना होता है, ये सीएस होता है आपका 1.5 इंटू सीआर अपॉन सिग्मा 1 बार। क्या है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए इमीडिएट सेटलमेंट जो होता है वो होता है H नॉट अपॉन सी एस लॉग 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। यहाँ पे H नॉट आपका इनिशियल हाइट ऑफ द सॉइल है या इनिशियल डेप्थ ऑफ द सॉइल है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग स्थिति में इफेक्टिव स्ट्रेस है, और सी एस आपका एक कॉन्स्टेंट है जिसका फॉर्मूला 1.5 सी आर अपॉन सिग्मा 1 बार होती है। और यहाँ पे सी आर क्या है, कोन रेसिस्टेंस है, और ये कोन रेसिस्टेंस क्या होता है, जिस कोन में रखकर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है उसी की रेसिस्टेंस वैल्यू होती है। अगर मैं कोहेसिव सॉइल का यूज करूँ, फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए जो आपका इनिशियल सेटलमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सॉइल की ढाल क्षमता, ठीक है, प्रेशर एट द बेस इनटू बी, बी मतलब विड्थ ऑफ द फुटिंग, 1 माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि पॉइजन रेशियो डिवाइडेड बाय ईएस यानी कि उसका सॉइल का इलास्टिक मॉडुलस इनटू आईएफ, और आईएफ होता है इन्फ्लुएंस फैक्टर जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके अनइम्पॉर्टेंट है, गारंटी है एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, जस्ट रीड आउट करने के इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको याद करने में आपका टाइम आपकी एनर्जी वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इनिशियल या फिर इमीडिएट सेटलमेंट। अब इसके बाद जो टॉपिक है यानी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, वो डेफिनेटली आपका एग्जाम पूछा जाएगा और उससे न्यूमेरिकल भी भर भर के आते हैं। तो हमारा जो नया है दैट इज कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कंसोलिडेशन दो स्टेप में होता है, तो पहला क्या होगा आपका, पहला होगा आपका प्राइमरी, प्राइमरी सेटलमेंट। और अगर आपको एग्जाम में सेटलमेंट निकालने के लिए बोला है तो आपसे बस यही चाहता है कि आप प्राइमरी सेटलमेंट को कैलकुलेट कर दो, बाकी किसी टाँगछान की उसको जरूरत नहीं है, अगर टाँगछान की जरूरत होगी तो आपसे निकलवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस सी यानी कि कंसोलिडेशन सेटलमेंट बराबर, जिसको हम लोग डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका एच नॉट इन टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। अब एच नॉट को हम लोग जानते थे याद करिए, एच डेल्टा एच अपॉन एच बराबर डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। तो बस उसी को मैंने क्या किया है कि एच को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गेम को चेंज करेंगे, क्या गेम को चेंज करेंगे, अब अगर आप देखेंगे तो हमने अभी कुछ देर पहले कंसोलिडेशन पैरामीटर्स पढ़े थे और वहां पे डेल्टा ई बार बार हर फॉर्मूले में आ रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखेंगे, और फिर आपको ये फॉर्मूले जो भी हैं इनको याद करना काफी आसान हो जाएगा। एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट को एक साथ लिख दूंगा और डेल्टा ई को अलग, और डेल्टा ई को जैसे ही मैंने अलग रखा तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले बनाने की कंडीशन में आ गया, ठीक है। जैसे एच सी बराबर क्या हो गया, एच अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ठीक है, एच अपॉन 1 प्लस ई नॉट ये तो रहेगा ही, ठीक है, ये तो रहेगा ही इंटू ए बी इंटू डेल्टा सिग्मा बार। क्यों भाई साहब, हमें पता है ए बी बराबर क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार होता है, तो बस इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को एक पूरा फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ा, अगर मेरे को पैरामीटर्स याद है तो मैं आसानी से सेटलमेंट के फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, बस डेल्टा ई की वैल्यू को एक्सचेंज करता जाऊंगा। एस सी की वैल्यू ये ए बी के टर्म में थी, अब मैं निकालूँ सी सी के टर्म में, एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, सी सी इंटू लॉग 10, ठीक है, हो जाएगा सी सी इंटू लॉग 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। देखिए कितना आसानी से फॉर्मूला हो जाएगा, बस हम डेल्टा ए को रिप्लेस करते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ए बी अपॉन 1 प्लस ई नॉट को हम क्या बोलते हैं, एम वी बोलते हैं, पढ़ा है अभी हमने कुछ पहले ही, तो एच नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा बार इंटू ए बी अपॉन 1 प्लस ई नॉट क्या हो गया, एम वी हो गया। तो इस तरह से बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हमने क्या किया, जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट था यानी कि जो प्राइमरी सेटलमेंट था उसके फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव कर दिए। इजी है, बहुत आसान सा है,
ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच बेटर रखना है, रटने के बजाय आप थोड़ा सा अगर समझने के प्रैक्टिस करोगे तो इन सब टॉपिक्स को समझने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इसी के बाद आपका आता है सेकेंडरी सेटलमेंट। सेकेंडरी सेटलमेंट जो होता है वो केवल और केवल कोहेसिव स्वर देखने को मिलता है, इसे जनरली एग्जाम में ये निकालने को नहीं पूछता है, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या पता आपका फॉर्मूला एग्जाम में आ जाए। सेकेंडरी सेटलमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एस से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है एच हंड्रेड इंटू सी एस अपॉन वन प्लस ई हंड्रेड लॉग टेन टी अपॉन टी हंड्रेड। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अब यहां से जो हम निकालते हैं कि टोटल सेटलमेंट जो होता है वो क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट प्लस कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है, अब यहां पर आप सोच रहे होंगे ये एच हंड्रेड ई हंड्रेड टी हंड्रेड क्या है, तो एच हंड्रेड का क्या मतलब है, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उस समय जो सॉइल की थिकनेस होती है उसको हम बोलते हैं एच हंड्रेड। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद ही आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद जो सॉइल की डेप्थ होती है उसी को हम बोलते हैं एच हंड्रेड। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टी हंड्रेड। प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होने के कितने समय बाद आप टेस्ट कर रहे हो इसको बोलेंगे टी, और जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा उस समय जो वाइड रेशियो है सॉइल का उसको बोलेंगे ई हंड्रेड। यहाँ पे हंड्रेड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि 100% आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, सिंपल एज दिस। कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको यही जानना है एच हंड्रेड क्या होता है। जब आपका कंप्लीट हो जाए प्राइमरी सेटलमेंट तो उस समय जो डेप्थ ऑफ सॉइल होती है उसको एच हंड्रेड बोलते हैं, जो वाइड रेशियो होता है उसको ई हंड्रेड बोलते हैं, और जितना समय लगा है उसको टी हंड्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह, और टी क्या होता है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के कितने समय बाद आप क्या कर रहे हो, आप ये सारे मेजरमेंट कर रहे हो। तो इट इज ऑल अबाउट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट एंड इमीडिएट सेटलमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स का लेवल बहुत डाउन होता है, यानी कि बहुत आसान होता है, बहुत हैवी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जरूर जाते हैं, तो ये आपको याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी और कर लेते हैं, अदर लास्ट में एक साथ न्यूमेरिकल को हम टैकल कर लेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टाइम रेट कंसोलिडेशन। टाइम रेट कंसोलिडेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशन, मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि तर्जा की, जो हमारे फादर ऑफ सॉइल है तर्जा की, उन्होंने कुछ टेस्ट के द्वारा ये बताया कि भाई साहब आप कंसोलिडेशन लैब में कैसे परफॉर्म करोगे, उसका एनालिसिस कैसे करोगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल वर्ड में कि ये जो टाइम रेट कंसोलिडेशन ये दिया किसके द्वारा गया, तो ये दिया गया बाय तर्जाकी। ठीक है, और तर्जाकी के इस मॉडल को हम लोग स्प्रिंग पिस्टन मॉडल भी कहते हैं, स्प्रिंग पिस्टन मॉडल। अब स्प्रिंग पिस्टन मॉडल क्यों कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो आपके सॉइल स्केलेटन है, ठीक है, जो आपका सॉइल स्केलेटन, सॉइल स्केलेटन मतलब कि जो सॉइल के पार्टिकल है, ठोस पार्टिकल है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या माना, उसको उन्होंने माना स्प्रिंग। क्या माना? स्प्रिंग माना। और इसके बाद जो उसमें वाटर इनसाइड भरे हुए हैं, जो आपका वाटर है, वाटर इनसाइड पोर, उसको उन्होंने क्या माना, उसको उन्होंने पिस्टन माना। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ क्या कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो लोड किसके द्वारा पहले लिया जाएगा, लोड पहले लिया जाएगा स्प्रिंग के द्वारा, और जब लोड इतना ज्यादा हो जाए कि अब स्प्रिंग उसको पॉजिटिवली कैरी नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद फिर वो लोड को ट्रांसफर किसको करेगा, पिस्टन को। इसीलिए स्टार्टिंग में आप देखोगे तो जब कंसोलिडेशन शुरू होता है तो स्टार्टिंग में आपका वाटर तुरंत ही निकलना शुरू नहीं होता है, उसको कुछ टाइम लगता है, और इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि जो हमारा कंसोलिडेशन होता है दैट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोड लग रहा है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको कैरी कौन कर रहा है, सॉइल कैरी कर रहा है, और जब सॉइल कैरी करेगा तो सॉइल इतना समर्थ है, सॉइल पार्टिकल बेटर होगा, सॉइल पार्टिकल इतना समर्थ है कि वो बिना डिफॉर्मेशन के उसको आसानी से टैकल कर ले। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि ये जो लोड था, ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस था, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ने लगी, और अब स्प्रिंग को होने लगी दिक्कत, यानी कि सॉइल स्क्रेटन होने लगी दिक्कत, और वो दिक्कत चाहेगा नहीं,
तो क्या करेगा, कहेगा भाई मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेस मैं झेल लिया हूँ, थोड़ा बहुत बच रहा है, जरा वाटर तुम भी झेल लो, ठीक है। और इस तरह से दोनों की शेयरिंग के हेल्प से आपका ये जो कंसोलिडेशन का पूरा प्रोसेस है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो लोड आता है, ठीक है, जो लोड आता है ये पहले कैरी करता है, कैरी फर्स्ट, और ये क्या होता है आफ्टर, हमेशा क्या होगा, ये उसको बाद में कैरी करेगा। अब यहाँ पे कुछ assumption होते हैं, वो assumption मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो assumption लगातार बोलता आया हूँ मैं बहुत बार, और इतना आपको याद भी होगा, आपके नोट्स में भी होगा। assumption क्या था, ठीक है, सबसे पहले assumption क्या होता है कि soil आपकी homogeneous होनी चाहिए, समांगी होनी चाहिए ताकि आप एक यूनिफॉर्म एनालिसिस कर सको, आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए ताकि जो हमारा कोफिशियंट ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह है इस बार बार चेंज ना हो, ठीक है। तो होमोजीनियस हो गया, आइसोट्रॉपिक हो गया, फ्लो लैमिनार होना चाहिए, तब क्यों, क्योंकि भाई साहब वॉल्यूम चेंज आपका केवल सेटलमेंट की वजह से हो, फ्लो की वजह से ना हो। और क्या होना चाहिए, डार्सी लॉ वैलिड होना चाहिए ताकि आप डार्सी के नियम के अनुसार डिस्चार्ज निकाल सको आराम से, ठीक है। सॉइल हमेशा क्या हो, सैचुरेटेड हो, ठीक, सॉइल क्या हो, हमेशा सैचुरेटेड हो। तो इस तरह से कुछ एजम्पशंस होते हैं जो तर्ज़ाकी मान के चलते थे, अगर वो मान के चलेंगे तभी तो आप सॉइल को एनालिसिस कर पाओगे, क्यों, क्योंकि सॉइल आपको होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है। तो हमेशा किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ क्या माने जाते हैं, एजम्पशन माने जाते हैं। और यहाँ पे इस एजम्पशन के आधार पे तर्ज़ाकी ने एक टाइम ग्रिड कंसोलिडेशन टेस्ट किया जिसको उन्होंने स्प्रिंग पिस्टन मॉडल कहा। उन्होंने कहा कि जब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो इंक्रीज इन लोड है ये पहले सॉइल पार्टिकल कैरी करेंगे, और जब तक उनसे बर्दाश्त हो पाएगा वो उसको कैरी करेंगे, और जब उनके क्षमता के बाहर हो जाएगा तो वो अपने एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा लोड आया है उस एक्स्ट्रा लोड को आपके पिस्टन की तरफ ट्रांसफर कर देंगे ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो उसको आसानी से झेल सके और ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम बन रहा है वो आपका स्टेबल बना रहे, ठीक है। चलिए,